हाय डियर स्टूडेंट, हम 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल मेथड जो चैप्टर जो स्टडी करते हैं उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर हम स्टडी करते हैं और रिजल्टेंट जो रहता है उसका जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट का इक्वेशन, ये हमें पता है। अब अगर ये दो जो वेक्टर है, ये वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल अगर रहा तो आर का फॉर्मूला कैसा होगा, एंटी पैरेलल अगर रहा तो आर का फॉर्मूला कैसा होगा और परपेंडिकुलर अगर रहा तो आर का फॉर्मूला कैसा होगा, वो आज हम आपको समझाएंगे डियर स्टूडेंट। तो बहुत ईजी ऐसा वीडियो है। तो इसकी जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इफ टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री अगर है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितना होगा, हमें पता है जीरो है, कितना है जीरो है। और 270 भी अगर रहा, कॉस 270 डिग्री अगर रहा फिर भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अगर 90 डिग्री के जगह अगर आपको अगर 270 डिग्री अगर आता उसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा फिर, यानी ये जो टर्म रहेगी ये टर्म पूरा क्या होगा, निग्लेक्टेड हो जाएगी। ओके, ये पूरा निग्लेक्टेड हुआ, यानी यहां पे आर इक्वल टू क्या रहा, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये और बी का मैग्निट्यूड, इफ ये दैट इज इक्वल टू बी, ये दैट इज इक्वल टू बी देन वी गेट ये इक्वल टू बी अगर रहा तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर किया हमने तो हमें क्या मिल रहा है, टॉइस ए स्क्वायर यानी रूट टू टाइम्स एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, रूट टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, रूट टू टाइम्स दी ये। अब ये होगा हमारा परपेंडिकुलर टू इच अदर। उसके बाद जो है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद जो है वो है पैरेलल टू इच अदर। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू इच अदर, टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू इच अदर देन थीटा इक्वल टू, पैरेलल अगर है तो थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो डिग्री है। और अगर थीटा अगर सो कॉस थीटा यहां पे जो होगा वो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितना होती है, वन होती है, यानी कॉस थीटा यहां पे वन होगा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 360 डिग्री अगर है, फिर भी कॉस जो आएगा वो कितना आएगा, दैट इज द वन आएगा डियर स्टूडेंट, कितना आएगा, वन आएगा, दैट इज कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू वन, 360 डिग्री यानी ये होता है 2π रेडियन। ओके, तो यहां पे हमें कैपिटल आर इक्वल टू क्या मिलेगा, कैपिटल आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू वन अगर रहा यहां पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी ये है डियर स्टूडेंट एक्सपांशन ए प्लस बी का, इसका एक्सपांशन है
ए प्लस बी का स्क्वायर का एक्सपांशन है और उसका स्क्वायर रूट अगर किया तो हमें मिलेगा आर इक्वल टू ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी, और ये इक्वल टू बी अगर है, ये इक्वल टू बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर क्या है सेम है, तो यहां पे हमें मिल रहा है आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं और न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन भी इस पे आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस है ये रिजल्टेंट वेक्टर के। ओके, उसके बाद थर्ड जो केस है, थर्ड केस अब हो गया परपेंडिकुलर, हो गया पैरेलल, हो गया अब रहेगा एंटी पैरेलल। इफ टू वेक्टर्स आर, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, यानी ये ऐसा और दूसरा वेक्टर ये ऐसा, यानी ये वेक्टर ये हो गया, उसके बाद ये हो गया बी वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, एंटी पैरेलल, दैट इज 180 डिग्री, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू रहेगी, cos 180 डिग्री की वैल्यू, उसकी वैल्यू रहती है माइनस वन, 180 डिग्री यानी रेडियन में कितना, cos phi, पाई रेडियन बोलते हैं उसको हम, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं, तो cos phi की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस वन आएगी, रेडियन में भी आ सकता है और डिग्री में भी आ सकता है। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा फिर, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, सो आर इक्वल टू जैसा हमने किया वैसा, आर इक्वल टू मॉड ऑफ, आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर ये इक्वल टू बी अगर है, ए इक्वल टू बी अगर है, तो आर की वैल्यू कितना होगा, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू जीरो, रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू जीरो, इफ ए इक्वल टू बी देन रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, और ये रिजल्टेंट का होगा यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा। ऐसे ही सेम आप डायरेक्शन के लिए भी निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज टैन अल्फा, टैन अल्फा दैट इज इक्वल टू ये साइन थीटा अपॉन क्यू अपॉन, सॉरी क्यू नहीं, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस, बी प्लस ये कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ए साइन थीटा अपॉन वेक्टर बी प्लस ए कॉस थीटा, और रिप्लेसमेंट भी होगा अगर यहां पे, अगर थीटा की वैल्यू अगर हमने 90 डिग्री अगर सब्स्टिट्यूट अगर की, तो यहां पे हमें मिलेगा ये बाय बी मिलेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन टैन अल्फा इक्वल टू ए बाय बी, टैन अल्फा इक्वल टू ए बाय बी, इफ थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अगर है, तो हमें मिलेगा टैन अल्फा इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन फाइ की वैल्यू कितना होती है, दैट इज इक्वल टू साइन फाइ की वैल्यू, यानी साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, सो यहां पे हमें क्या मिलेगा, टैन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अगर जीरो अगर रहा, फिर भी साइन जीरो की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, थीटा
थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री अगर रहा, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री अगर रहा तो हमें टैन अल्फा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। टैन अल्फा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा, ये है तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं और न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो अगली बार जो है इसका जो सिंप्लीफिकेशन जो होगा न्यूमेरिकल लेंगे हम इसके, और इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो रहेगा वो भी, डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल लेंगे हम इसपे। तो वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।